नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। सुशांत सिंह राजपूत का सीधा सीधा जिस तरह से मौत हुई है, सुसाइड करने के लिए वो मजबूर हुए हैं, उसका सीधा सीधा कनेक्शन रोहित बेमुला की तरफ जाता है। जिस तरह से रोहित बेमुला के खिलाफ केंद्रीय मंत्री, चाहे वो उस समय के स्मृति ईरानी हो, बंडारू दत्तात्रेय हो, इन लोगों ने जिस तरह से लगातार उन पर दबाव बनाया था, जिस तरह से हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने उन पर दबाव बनाया था, उसके बाद जिस तरह से उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उनको कैंपस से निकाल दिया गया था, वो कैंपस के बाहर बेलीवारा बना के रह रहे थे, हॉस्टल अलाउ नहीं था। ठीक सुशांत सिंह के बारे में इसी तरह की खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चल रहा है जो KRK है, जो KRK बॉक्स ऑफिस है, वहाँ से जो खबर है, अकॉर्डिंग टू सोर्स धर्मा, साजिद नाडियाडवाला, YRF, टी सीरीज, सलमान खान, दिनेश विजन, बालाजी, इन सब लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर रखा था। वो फिल्में नहीं कर सकते थे उनके हिसाब से, इस ट्वीट के हिसाब से, सो नाउ ही कैन डू वेब सीरीज और टीवी सीरीज ओनली। सोचिए, पिछले जब से उनकी लास्ट फिल्म हिट हुई है छिछोड़े, उसके बाद से 7 फिल्में उन्होंने साइन की थी, लेकिन सारी फिल्में उनसे वापस ली गई थी। और इसको कह रहे थे नेपटिज्म। कौन लोग ये सब कर रहे थे? जिनको प्रॉब्लम हो रही थी कि कहीं उनके बच्चे इस स्टार कास्ट से पीछे न पड़ जाएं, और इसी को बोलते हैं भाई भतीजावाद। नेपटिज्म के शिकार थे, जैसे रेसिज्म रंग के आधार पर भेदभाव होता है, जैसे कास्टिज्म जाति के आधार पर भेद होता है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ नेपटिज्म हुआ है, भाई भतीजावाद हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। कल अनुभव सिन्हा ने भी इसी तरह का एक ट्वीट किया था कि जो लोग भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में खाए अघाए लोग हैं, उनको आज रात में सोचना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने एक टैलेंटेड एक्टर को जानबूझकर खाली छोड़ दिया था। आप सोचिए, इसी तरह के हालात इस देश में जाति के नाम पर SC ST OBC के लोग का होता है। सोचिए, जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं है, तो क्या कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी जा पाएगा? इससे पहले कई फिल्में बनाने वाले जो शेड्यूल कास्ट के डायरेक्टर, जिन्होंने मसान बनाई थी, जिसमें एक शेड्यूल कास्ट के लड़के और एक जनरल कैटेगरी की लड़की की प्रेम कहानी है, उस डायरेक्टर के साथ भी इसी तरह का भेदभाव हुआ था। उससे बाद पी रंजीता हैं, जो दक्षिण भारत के, उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्में बनाई है, उनके साथ भी इसी तरह का मामला सामने आया था। तो सुशांत सिंह राजपूत को कई तरह से क्षेत्रवाद की वजह से भी, पटना की वजह से भी उनको दंड झेलना पड़ रहा था। जाति की मार वो नहीं सह रहे थे, लेकिन भाई भतीजावाद की मार सह रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो जिस तरह से कुछ मुस्लिम्स कैरेक्टर किए थे उन्होंने, पीके हो, या फिर आपको बता दे कि उनका जो फिल्म है केदारनाथ, उसमें जिस तरह से हो, उसके बाद एक बड़ा तबका उनके खिलाफ खड़ा था, लेकिन नेपटिज्म जो कि भाई भतीजावाद है, परिवारवाद है, वो सबसे ज्यादा। और इस तरह की खबरें आ रही कि उनको सोसाइटी से अलग थलग कर दिया गया था। अब कम से कम इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि चाहे वो रेसिज्म हो रंग के आधार पे, चाहे वो कास्टिज्म हो जाति के आधार पे, चाहे वो नेपटिज्म हो भाई भतीजा के आधार पे, इन सब चीजों का विरोध करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सुशांत सिंह के लिए भाई भतीजावाद का विरोध करेंगे, लेकिन आप जातिवाद का विरोध नहीं करेंगे। ये इस देश में यही हो रहा है। जो लोग ब्लैक लाइव्स मैटर करते हैं भारत में बैठ के, जो विदेश में जाके अपना अधिकार खोजते हैं, वो भारत में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि आपका कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी, आपको एक तरह का व्यवहार करना पड़ेगा। अगर आपका कुत्ता टॉमी है, तो दूसरे के कुत्ते को भी टॉमी समझना पड़ेगा। अगर दूसरे को कुत्ते को आप कुत्ता समझते हैं, तो आपको अपने कुत्ते को भी कुत्ता समझना पड़ेगा। भारत में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो लोग भारत से दूसरे देशों में जाते हैं, खासकर जो मिडिल ईस्ट जाते हैं या यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, वो वहां आरोप लगाते हैं कि गोरे मेरे साथ रंगभेद कर रहे हैं, जबकि यही लोग वहां के काले लोगों के साथ रंगभेद करते हैं, गोरे से भी ज्यादा। यही लोग जब भारत में आते हैं, तो फिर जातिवाद का ये नाटक शुरू कर देते हैं, जातिवाद फैलाना शुरू कर देते हैं, और उसको मानते नहीं है, क्योंकि यहां इनको कास्ट की वजह से फायदा मिलता है, वहां ये रंगभेद का आरोप लगाते हैं। तो हमें हर तरह के, चाहे वो लिंग भेद हो, जेंडर के आधार पे भेदभाव हो, चाहे रंग के आधार पे भेदभाव हो, चाहे जाति के आधार पे भेदभाव हो, चाहे भाई भतीजा के भेदभाव हो, उस पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो जातिवाद है, क्योंकि यहाँ का 85% आबादी जातिवाद के शिकार है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे वो पायल तडवी का मामला हो, चाहे वो रोहित बेमुला का मामला हो, जो बहुजनों के हीरो थे, आइकॉन थे, इसी तरह से रोज हजारों SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और उनकी कहानी भी हम आप तक नहीं ला पाते हैं, क्योंकि हमारे पास
वो मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, टीवी नहीं है, अखबार नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के बहाने इन पर बहस होनी चाहिए और इस देश में जातिवाद, रंगवाद या नेपटिज्म, भाई भतीजावाद या लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म होना चाहिए और इसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग जातिवाद करते हैं वो तमाम तरह के शोषण को अपने, उनका जब शोषण होता है तो वो बोलते हैं, लेकिन जब वो शोषण करते हैं तो नहीं बोलते हैं। इसलिए हर तरह के शोषण के खिलाफ करेंगे हम। और इसलिए मैं कहता हूँ, बाबा साहब फूले प्रियार अम्बेडकर इकलौते ये लोग शख्स हुए हैं, गुरदास, रविदास महाराज, कबीर साहब, जिन्होंने हर तरह के भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब को सोचिए, बाबा साहब भारत के बारे में क्या कहते हैं। मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से नापता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। पेरियार क्या कहते हैं, जिस समाज में रात के 12 बजे महिलाएं अकेले नहीं घूम सकती, उस समाज को मैं समाज नहीं मानता हूँ। सावित्रीबाई फुले क्या कहती हैं, आप सोचिए। ज्योतिबा फुले क्या कह रहे थे, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोल रहे थे। तो कास्टिज्म के खिलाफ जो लड़ेगा वही आप तय कर लीजिए। भारत का अगर कोई है और वो कास्टिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, तभी आप उस पर भरोसा कीजिए कि वो रंग नस्लवाद के खिलाफ, वो रंग के जो रेसिज्म है उसके नस्लवाद के खिलाफ लड़ेगा, वही भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ेगा। तो ऐसा नहीं चलेगा कि मीठा मीठा गप और करवा करवा थू। मतलब आपके खिलाफ जब विदेश में भेदभाव हो तो आप उसको माने। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ भाई भतीजावाद हुआ है, और सोचिए कि जातिवाद का जहर जो लोग झेल रहे हैं उन पर क्या गुजरती होगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करे।